एवरीवन वी हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आज अपने नए ब्लॉग पे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और साथ में आशीर्वाद भी। और आज के गाइस, हम आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ भजन कीर्तन। तो आपको बताइए, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आज नवरात्रि के उसमें हमको दिखाएंगे हमारे भजन कीर्तन कैसे होते हैं। तो भजन कीर्तन आज है आशा दी के यहाँ, तो हम आशा दी के यहाँ जाएंगे। आशा दी ने बुलाया है 4 बजे, तो 4 बजने वाला है, तो हम होते हैं रेडी। तो फिर आपको दिखाते हैं उनके घर पहुँचने के बाद नवरात्रि कीर्तन। ओके, बाय बाय। तो गाइस, हम जा रहे हैं कीर्तनों में। ये देखो, बेबी भी रेडी होके और दीदी भी रेडी होके जा रहे हैं। ये है आशा दी, इनके घर भजन कीर्तन है। अच्छा, तो हम पानी दे दो इसको, पानी दे दो। प्रसाद रेडी हो रहा है, अपना मनोरंजन करिए। आइए नवरात्रि में अभी मनोरंजन होगा, आइए वो देखिए। अभी हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ बने रहे।
Thank you.
में मैं बच गई, मेरे तो सॉन्ग ही नहीं गाया। चलो फिर स्टार्ट हो जाओ भजन कीर्तन। डांस करते हुए ये देखो मस्ती रहूंगी। फिर से जोश आ गया है। कितना हो गया खत्म? टाइम हो गया, कितना हो गया टाइम? 6:30 हो गया है, घर जाने का टाइम हो गया। ये देखो प्रसाद बांटने में गई है। सुनो हमने भी ले लिया प्रसाद। सचिन मम्मी कहती कब कर रही पता नहीं, सचिन को पता करते चलो। सचिन की मम्मी का पता नहीं, कौन सचिन की मम्मी को ना, नहीं तो मैं आपके घर भजन कीर्तन। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आप भी बता दो जी। बहुत खुशी हुई, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और मेरे घर में ऐसे कीर्तन होते रहे। आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहे, बोलो भाई। अंधेरा हो गया, घर जा रहे हैं। बेबू जल्दी आओ। हाँ बेबी ये देखो, जल्दी चलो। हेलो गाइस, बोलो तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, भजन कीर्तन कैसे लगे मैया के, और डांस भी कैसा लगा बता देना। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर लेना और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।